हेलो बच्चों, आप सभी का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। आज हम शुरू करने वाले हैं व्याकरण प्रवाह की पार्ट 3 शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार क्या होते हैं? शब्द क्या होते हैं? शब्द जिनका कोई अर्थ प्रकट हो, जैसे यहाँ जो चित्र बने हैं देखिए, इमारत लिखा हुआ है, कार तो कार है और लड़की यानी लड़की है। और अगर हम इन्हीं शब्दों को विच्छेद करें, इन्हीं शब्दों को अगर हम तोड़ें तो कैसे हम लिखेंगे? इमारत में देखिए आप, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ई जोड़ म जोड़ आ, म के साथ आ, इसलिए क्योंकि म व्यंजन है और व्यंजनों को बिना स्वरों की सहायता के हम नहीं बोल सकते, तो म हलंत हो गया और आ हो गया। फिर र हलंत जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ अ, अब देखिए ये बन जाता है हमारा इमारत। इसी तरह कार का वर्ण विच्छेद है और लड़की का भी, क जोड़ आ जोड़ र जोड़ अ, तो इस तरह से कार हो गया। फिर लड़की का भी इसी तरह से वर्ण विच्छेद किया हुआ है। तो हमने क्या पाया कि इन तीनों शब्दों में कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। जब तक वो कोई अर्थ प्रकट नहीं करते तो तब तक वो शब्द नहीं कहलाएंगे। अब समझिए, यहाँ पे वर्णों का जो मेल होता है वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब क्या? अर्थपूर्ण होना चाहिए, उनका कोई अर्थ होना चाहिए। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो उन्हें हम शब्द नहीं कह सकते। जैसे लकम है, कीलड़ है, जब ये कमाल और लकड़ी, जब ये कमल और लकड़ी कहे जाएंगे तभी इन ये शब्द कहलाएंगे, क्योंकि इनका एक अर्थ है। लेकिन हम जब लकम कहेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, कीलड़ कहेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि वर्णों के जो सार्थक मेल से कुछ शब्द अस्पष्ट होते हैं, जिनका कुछ मतलब हमें समझ में आता है, उन्हें ही हम कहते हैं शब्द। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, हिंदी शब्दों में जो वर्गीकरण है वो तीन तरह से किया गया है। एक तो उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा बनावट के आधार पे और तीसरा प्रयोग के आधार पे। तो हम इन तीनों को बारी बारी से यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। शब्द चार प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द कौन से कहे जाते हैं? जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उनका प्रयोग ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के जिन शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन करके उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सांप, रात, सूरज, फूल, काम आदि। इसी तरह देशज शब्द क्या है? देशज अर्थात देश में उत्पन्न होने वाले ये शब्द हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो बोलियाँ बोली जाती हैं उनसे लिए गए ये शब्द हैं, जैसे कि पगड़ी है, खिड़की है, जूता, पैसा आदि। विदेशित शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिन्हें दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में लाए गए हैं या आए हुए हैं, ऐसे शब्दों को हम विदेशित शब्द कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लालटेन, टिकट, सब्जी, तौलिया आदि। यहाँ देखिए इस चार्ट में कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द ये जो संस्कृत से लिए हुए शब्द हैं और उनका हम हिंदी में बिल्कुल उसी तरह से प्रयोग करते हैं। तो दुग्ध और तद्भव, उसका तद्भव रूप यानी हिंदी रूप उसका क्या हो जाएगा? दुग्ध का, देखिए दूध का दूध, वर्ष का वरस, दधि का दही, हस्ती का हाथी, हस्त का हाथ, मयूर का मोर। इसी तरह अश्रु का आंसु, स्वप्न का सपना, रात्रि का रात, ओष्ठ का होंठ, ग्राम का गांव, आम्र का आम, अग्नि का आग, जीवा का जीव, दंत का दांत और घृत का घी। ये सारे जो तत्सम शब्द हैं ये संस्कृत से आए हुए शब्द हैं और तद्भव उनका हिंदी रूप है। तो कभी कभी जो आपकी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित तत्सम शब्दों का तद्भव करके लिखिए, तब आप इस तरह से लिखेंगे, हिंदी करके लिखेंगे आप उनका। दूसरा है बनावट के आधार पर। शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बहुत ही आसान है ये, समझने की कोशिश कीजिए आप, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ये शब्द ऐसे हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके अर्थ रूढ़ हो गए हैं, यानी आप इनको तोड़ नहीं सकते, इनमें कोई दो जोड़ तोड़ आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि घर, घ में कैसे आप घ जोड़ र ऐसा तो आप नहीं लिख सकते। सेना में भी से जोड़ ना ऐसा नहीं लिख सकते। मेला है तो म
ए जोड़ ल आ ऐसा नहीं हो सकता, हाथी भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से इन शब्दों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो इन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। इसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? ये शब्द ऐसे हैं जो शब्दों के योग से बने हैं, इनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे नीलकमल, नील जोड़ कमल। अब देखिए यहाँ पे इन शब्दों को हम तोड़ सकते हैं, दो अलग अलग भाग कर सकते हैं। जैसे नील कमल है तो नील और कमल, पाठशाला है तो पाठ और शाला। तो ये क्या कहलाएंगे, जिन्हें हम ऐसे शब्द जिनको की हम दो जिनके की दो शब्द होते हैं और जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं, उनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। यानी दोनों ही जब टुकड़े करेंगे तो दोनों ही शब्दों के अर्थ निकलेंगे, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं पर उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकल कर कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे कि पंक जोड़ ज, पंक जोड़ ज यानी पंकज। पंकज क्या होता है? कीचड़ में खिलने वाला कमल। नील जोड़ कंठ, नीलकंठ यानी नीले कंठ वाले शिव। लंबा जोड़ उदर यानी लंबोदर। तो अब इनका विशेष अर्थ क्या हो जाएगा? लंबा है उदर जिनका यानी कि गणेश। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, यौगिक शब्द जिनके दो सार्थक अलग अलग टुकड़े किए जा सकते हैं। इसके बाद योग रूढ़ शब्द हैं जिनमें इनके टुकड़े तो किए जा सकते हैं पर इनके टुकड़े करने के बाद जिन जो शब्द बनता है उनका एक विशेष अर्थ होता है। आइए हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? इन शब्दों के रूप में लिंग वचन के कारण विकार या परिवर्तन आता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द इन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं आता, ये अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, हिंदी भाषा के ये अविकारी शब्द हैं। इन सभी के बारे में हम अगले अध्याय में धीरे धीरे चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेद किए गए हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे हम आगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे, अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे, समरूपी विनार्थक शब्द, ये सब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को तीन आधारों पर तीन भागों में बांटा गया है। विकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं और प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम थोड़े थोड़े इनकी एक्सरसाइज भी देख लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने कितना सीखा। अब दूध, दुग्ध, यहाँ पे देखिए दुग्ध कैसा शब्द है? ये शब्द है तत्सम है कि तद्भव है कि देशज की विदेशज, तो यहाँ मैंने टिक लगा दिया है। दुग्ध क्या है? तत्सम शब्द है। पगड़ी कैसा शब्द है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है, तो ये देशज शब्द है। फुटबॉल कैसा शब्द है? तत्सम कि तद्भव कि देशज कि विदेशज। फुटबॉल क्या है? फुटबॉल विदेशज शब्द है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ ये शब्द है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य का तद्भव रूप क्या होगा? सूर्य तत्सम रूप है यानी संस्कृत रूप है इसका, और इसका तद्भव रूप यानी हिंदी स्वरूप इसका क्या हो जाएगा? सूरज। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ना, सूरज यहाँ देखिए लगा हुआ है। ठीक, इसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ बहुत ही कम जगह है इसलिए मैंने आंसर भी बहुत कम जगह में लिखने की कोशिश की है। विश्वास है आपको ये समझ आ जाएगा, मैं बोलती भी जा रही हूँ। देखिए आप लिख पाएंगे इसको देख के। शब्द किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के, यहाँ वर्णों ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखावट बहुत कम स्पेस में सही से नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पे मैंने इसलिए पेंसिल से लिख रखा है ये। तो क्या करेंगे? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कि हाथी, राम आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं।
तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। तो बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। यहाँ पे तीन गलत है, मेरे बेटे की बुक है ये, इसने गलत लिख रखा है, तीन ऐसे लिखते हैं। तीन भेद हैं, रूढ़, योगी और योग रूढ़। आगे देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो ये हमारे छोटे छोटे प्रश्न उत्तर भी हो गए। अब यहाँ देखिए, प्रश्न तीन में तत्सम, तद्भव शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए इतने सारे शब्द हैं, उनमें से आपको तत्सम और तद्भव शब्द छाँट कर पूरे करने हैं। आप एक बार पीछे से भी वीडियो को अगर पीछे करके देखेंगे तो आपको ये सारे शब्द के तत्सम और तद्भव रूप आपको मिल जाएंगे। या तो आप अगर चैप्टर को समझ चुके हैं तो अपने आप कीजिए इसको। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, रूढ़, योगिक और योग रूढ़ शब्दों को उनके शीर्षक के नीचे लिखिए। यहाँ पे देखिए, रूढ़ लिखना है आपको, जिनके की टुकड़े नहीं हो सकते। योगिक लिखना है, जिनके दो टुकड़े करने पर दोनों ही तरफ के शब्दों का सार्थक रूप देखने को मिलता है, सार्थक अर्थ, उनके अर्थ अलग अलग अर्थ सार्थक होते हैं। और योगरूढ़ वे होते हैं कि जिनको अलग तो किया जा सकता है लेकिन उनका सीधे सीधे अर्थ ना निकल कर कोई विशेष अर्थ निकलता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, उसके आधार पर यहाँ जितने भी शब्द हैं उनको आप उनके शीर्षक के अंदर लिखिए। इसके बाद देखिए, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णों का मेल सार्थक होना चाहिए। ख में देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। नीलकंठ का अर्थ है शिव, ये देखिए यहाँ पे हो गया हमारा ये। इसके बाद है ये, उचित कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें योगिक कहते हैं। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं क्या उन्हें हम योगिक कहते हैं? नहीं, उनको हम क्या कहते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। इसलिए ये हो गया हमारा गलत। बनावट के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, नहीं चार भेद हैं ना, संज्ञा और सर्वनाम विकारी शब्द हैं, ये सही है। हिंदी भाषा में शब्दों को तीन आधार पर बांटा गया है, बिल्कुल सही। विकारी शब्दों के रूपों में बदलाव नहीं होता, ये सही है। तो यहाँ लगाएंगे हम सही। तो देखिए, ये सही गलत हमने लगा रखा है पहले से भी, तो आप इसे देख कर पूरा कीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं, यहाँ मिलान करना है हमने, सही मिलान कीजिए। अज्ञान यानी कि ज्ञान से रहित, कुसंग यानी बुरी संगत, दुर्बल यानी कमजोर, कुमार्ग यानी गलत राह, और निर्भय यानी कि भय से रहित। तो देखिए, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है आप दोबारा एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, खूब पढ़िए और घर में रहिए। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।